खबर यूपी के औरैया जिले के थाना बेला क्षेत्र से है, जहां पुरवा सुजान के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच रात्रि के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाश जख्मी हो गए। घटनास्थल पर देर रात्रि एसपी चारू निगम एएसपी शिष्यपाल मौके पर पहुंचे। घायल बदमाशों को सीएससी विधुना में भर्ती कराया गया। एसपी के मुताबिक झांसी जिले के मऊ रानीपुर की एक आढ़त से कंटेनर नुमा ट्रक मूंगफली लाद कर गुजरात जा रहा था, जिसके ड्राइवर की हत्या कर बदमाशों ने ट्रक को बेला क्षेत्र में खड़ा कर दिया। एसपी ने कई टीमें गठित की, उसी के चलते मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीमों ने सुजानपुरवा जंगल में घेराबंदी की, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करी। 23/11/2022 को लगभग 11-12 बजे थाना बेला क्षेत्र में एक लावारिस ट्रक खड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये बताया गया था कि मऊरानीपुर से जनपद झांसी में थाना मऊरानीपुर में एक आड़त पड़ती है, वहाँ से मूंगफली लोड होके ये ट्रक गुजरात जा रहा था। कंटेनर नुमा ट्रक था ये, जो लगभग कुछ किलोमीटर दूर एक जनपद पड़ता है शिवपुरी, एमपी में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर रात भर रुका। फिर सुबह उसका जीपीएस बंद हो गया। वो जीपीएस बंद होने के बाद जो उसके ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनसे जब संपर्क नहीं हो पाया, न परिवार का न ट्रांसपोर्टर का, तो 23 तारीख को ये सूचना मिली कि 20 तारीख को ये जो गए थे ये लापता हैं और ये हमारी मूंगफली के बिना ये ट्रक यहाँ खड़ा मिला है। इस पूरी घटना पर जनपद औरैया में थाना बेला अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक एवं सीओ क्राइम भरत पासवान के निर्देशन में ये टीम्स हमने रवाना की और जहाँ जहाँ ये ट्रक गया, चप्पे चप्पे पे जितने कैमरास थे सभी को देखा, सभी जगहों के सर्वेलांस के लिए बीटीएस उठाए, पूरा इस पे काम किया। 7 दिन के अंदर सभी अपराधियों को चिन्हित किया गया। अपराधियों को ढूंढने के लिए मुखबिर मामूर किए गए थे। आज ये सूचना मिली थी कि इसमें 5 लोग जो हैं जिनको हमने पूर्व में चिन्हित किया था, वो लोग यहाँ पूर्वा सुजान के इस जंगल में कुछ जो बचे हुए मूंगफली के कट्टे हैं उनको रखे हैं और 2 बार बेच चुके हैं, ये 3री बार आखिरी लॉट को लेके जाने वाले हैं। इस सूचना में सहार, एरवाकटरा, बेला तीनों थाने और बाकी एसओजी की 3 टीमें और थाना कुदरकोट की टीम लगाई गई अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ क्राइम के निर्देशन में। ये पूरी घेराबंदी करके सिखलाए हुए तरीके से इन्होंने जो अभियुक्त हैं उनको घेर लिया, ललकार कर बुलाया गया। तो 2 अभियुक्त उस्मान और वसीम वारिस, ये 2 लोग, एक बाइक जो मौके पर मौजूद है आप देख सकते हैं, अपाचे लाल काले रंग की है, इस पर बैठकर भागने का इन्होंने प्रयास किया। जब पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस के ऊपर 3 फायर कर दिए, जिसपे जवाबी फायर में पुलिस ने 5 गोली चलाई।